हेलो, आप लोग कैसे हैं सब? हम बना रहे हैं आज रमज़ान स्पेशल कीमे का समोसा। मेरी वीडियो एक्चुअली थोड़ा लेट से स्टार्ट हुई और मैंने ये कुकर पहले ही चढ़ा दिया था। तेल डाल के प्याज मैंने डाल दिया था। देखिए, इसमें मैंने 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है और उसमें 2 बड़े प्याज बारीक चॉप करके डाले हैं जो हमें ब्राउन करने हैं। और ये हमारा कीमा हमने वॉश करके रख लिया है, 1/2 किलो कीमा है। और ये है हमारे टमाटर, 2 बड़े टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च। और ये देखिए, ये हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। देखिए, ये हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन करने हैं, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज आने लगेगा तो हम इसको इसमें बाकी सब सामान अपना डालेंगे, इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं हमारे। अभी हम तब से हम अपना प्याज को ब्राउन होने देते हैं। देखिए, ये हमारे प्याज अब करीब ब्राउन होने लगे हैं। देखिए, इसको हमें अच्छे से स्टर करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं थोड़ा स्पून में लेके। बहुत ज़्यादा ब्राउन हम नहीं करेंगे। देखिए, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, लाइट ब्राउन। अब इसी टाइम हम इसमें कीमा डाल देंगे। इतना अच्छे से पूरा हमने वॉश करके फुल अच्छा रखा हुआ था इसको काफ़ी देर से। अब हम इसको इसमें मिक्स कीमा डाल के अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई जैसे करेंगे प्याज के साथ। इसे स्पून से लेट अच्छे से मिक्स करके, ताकि वो कीमा एक बार ऐसे ना चलाओ तो वो थोड़ा सा वो बन जाता है, ज्वाइन ज्वाइन सा हो जाता है। इसीलिए हम इसको अच्छे से ऐसे की तोड़ तोड़ के स्पून से अपना इसको कीमे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और फिर उसके बाद उसमें और दूसरी चीज़ डालेंगे। देखिए, हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है, थोड़ा वाइट हो गया है पिंक से। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। देखिए, हम इसको अच्छे से फिर से मिक्स करके 1 से 2 मिनट जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ पकाएंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इसको ऐसे ही थोड़ा सा खुला ही पकाएंगे। फिर बाद में हम इसमें अपना और स्पाइसेस जो हमें डालने हैं, मसाले, वो डालेंगे। ये स्पाइसेस का और सभी चीज़ का इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट सब आप इंग्रेडिएंट्स इनबॉक्स में देख सकते हैं। डिटेल में उसमें आपको सब दे दूंगी, कितने कितने किस किस मेजरमेंट से ये सब चीज़ें डल रही हैं। डिटेल आप उसमें देख सकते हैं। फिर भी कुछ समझ में ना आए आप लोग को तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी 1 से 2 मिनट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अब टमाटर, हरी मिर्च। और अब हम इसमें थोड़ा स्पाइसेस डालेंगे। ये हम डालेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी डाली है 4 से 5, तो इसलिए 1/2 टीस्पून एनफ होगा। और अब डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। नमक हम प्याज तलने के टाइम पहले से ही डाल दिया था, कम लगेगा तो फिर बाद में। वैसे तो रमज़ान है, रोज़ा है, तो हम लोग चख तो सकते नहीं है, लेकिन फिर भी आइडिया से डाला था तो इंशाल्लाह ठीक ही होगा। और इसको सब पूरे से अच्छे से मिक्स कर देंगे। पूरे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1/2 कप के करीब, क्योंकि कीमा भी अपना पानी थोड़ा छोड़ेगा। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमें सूखा कीमा बनाना है एकदम। तो इसलिए बस हम इसमें 1/2 गिलास या करीब ही, 1/2 गिलास से भी कम ही पानी डालेंगे, ये देखिए। और अब इसको हम कुकर को बंद कर देंगे, मिक्स कर देंगे और फिर हम कुकर को लीड लगा देंगे। और हमें कम से कम इसको 3 से 4 विसिल देनी है। 3 से 4 विसिल होने के बाद फिर हम इसको खोल ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद उसको खोलेंगे। चलिए, तब से इसमें विसिल आ जाए तब से फिर हम मिलते हैं। देखिए, इसमें विसिल आ गई है 3 से 4, और अब हम इसको चेक करेंगे हमारा कुकर। देखिए, विसिल आ रहा है इसमें। अभी हमारा कुकर ठंडा हो गया है, अब हम इसको खोलेंगे।
और देखेंगे हमारा कीमा तैयार हुआ कितना। देखिए पूरा अभी भुनने भी लगा है और गल गया है पूरा। अच्छा थोड़ा सा पानी है इसमें, जो टमाटर के ऐसे स्लाइस दिख रहे हैं तो उसको स्पून से आप ऐसे तोड़ दें ताकि वो पूरा अच्छा सा मिक्स हो जाए, अलग से उसके स्लाइस ना दिखें कीमे के टमाटर के। अब हम इसको खुले ही ऐसे ही भुनने देंगे क्योंकि हमें ये पूरा सूखा बनाना है एकदम। और थोड़ा धनिया डाल लेंगे और इसको ऐसे ही पकने देंगे पूरी अच्छी तरह से पानी सूखने तक। देर हो रही थी तो इसलिए मैंने आटा, इसका कीमे का समोसे का आटा यानी डो पहले ही से रेडी करके रख दिया है। उसका डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि उसके आटे में आपको क्या क्या डालना है और कैसे रेडी करके रखना है। तो वो मैंने पहले ही, एक्चुअली देर हो रहा था, रमज़ान है तो अब टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आटा उसका रेडी करके रख दिया है। जैसे कीमा हमारा हो जाए तो थोड़ा हम इसको ठंडा करके फिर समोसे बनाना शुरू कर देंगे, इसलिए आटे का डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि आटे में गेहूं का आटे में उसमें क्या क्या हमने डाला है, कैसे उसको तैयार किया। वैसे स्मूथ आटा रोटी की जैसे ही आटा आपको उसको रेडी करना है। आटे में थोड़ा सा नमक डाल लें, ये देखिए कीमा भुन रहा है, भुन गया है। थोड़ा सा और सुखाना है हमें इसको, अभी ज़रा सा इसमें गीलापन लग रहा है, जो पूरा ड्राई हमें चाहिए क्योंकि। थोड़ा सा धनिया और डाल लेंगे, फिर बाद में भी हम इसमें धनिया मिलाएंगे थोड़ा, अभी तो पकाने के साथ थोड़ा डाल लें ताकि धनिया की खुशबू उसमें आ जाए। देखिए कीमा हमारा ऑलमोस्ट भुन गया है, पानी अब ख़त्म हो गया है, पानी अब तेल आने लगा है। ये देखिए, देखिए हमारा कीमा भुन के तैयार हो गया है। देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं कीमे में, थोड़ा थोड़ा सा तेल आने लगा है क्योंकि तेल हमने इसमें कम ही डाला है क्योंकि हमें समोसे में भरना है ये, इसीलिए हम समोसा बनाना है तो हमने इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है, थोड़ा ही डाला है। नहीं तो अब हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे बस एक दो मिनट के लिए, जैसे इसमें ऑयल पूरा आ जाएगा बस इसको हम बंद करके खोल के रख देंगे ठंडा करने के लिए। ये देखिए पूरा जो भी थोड़ा बहुत ऑयल था अब इसमें आ गया है, बस अब कीमा हमारा रेडी हो गया है। अभी हम इसको एक दो मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर उसके बाद इसको ठंडा करके हम फिर ठंडा करने के लिए निकाल के रख देंगे। और ये देखिए हमने फाइन चॉप प्याज लिया है, एक बड़ा प्याज, और ये कीमा हमने निकाल के रख लिया था, ठंडा हो गया है। और ये है धनिया, बारीक कटे हुआ धनिया, आप इसमें हरी मिर्च भी मिला सकते हैं साथ में, लेकिन हमारे यहाँ सब हरी मिर्च ऊपर से नहीं खाते इसलिए हम मैंने नहीं डाला है, इसलिए मैंने भाई प्याज और हरा धनिया फाइन चॉप किया हुआ है। और ये सब कीमा के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कीमा डाल लेंगे इसमें। जितने कीमे के समोसे आपको बनाने हो उतने में ही प्याज मिलाएं, कभी भी पूरे कीमे में प्याज मिला के ना रखें, नहीं तो वो ख़राब होने का डर रहता है, ये चीज़ का आप लोग बहुत ध्यान रखें। प्याज हाँ, कच्चा प्याज जब ही मिलाएं जब आपको बनाना हो, और जितने में बनाना हो उतने ही में कच्चा प्याज मिक्स करें, बाकी कीमा ऐसे ही पका हुआ रखा रहने दें। आप थोड़ा थोड़ा ले कर 2 से 3 दिन तक भी आराम से यूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, बस कच्चा प्याज वाला कीमा नहीं होना चाहिए। ये हम अच्छे से अब इसको मिला लेंगे खूब अच्छे से कि पूरा अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए प्याज धनिया कीमा। देखिए हम रोटी बेलना शुरू कर रहे हैं, ये हमने एक बड़ी सी पेड़ा ले लिया है, बड़ी सी एक रोटी बेल लेंगे, इससे हमारे 2 से 3 से 4 समोसे एक साथ ही बन जाएंगे, बार बार हमें एक एक करके कटिंग नहीं करना पड़ेगा। ऐसे करके हम इसको पूरा अच्छे से बड़ा सा बेल लेंगे। देखिए ये हमने अपना पूरे चौकी के हिसाब से पूरा इतना बड़ा रोटी बेल लिया है, इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, ना मोटा ना पतला, रोटी जैसे नॉर्मल बनती है उतना रोटी जैसे बस आप बेल लें रोटी के हिसाब से। और ऐसे एक स्पून इसमें डालें, एक स्पून भर के उसमें डालें और उसको ऐसे मोड़ दें और साइड से ऐसे हाथ के ऐसे प्रेशर दे के उसको चिपका दें। आटा है चूंकि ये तो आराम से चिपक जाता है, इसमें पानी मिलाने की आपको ज़रूरत नहीं है,
बस आप ऐसे करके इसको साइड से पूरा चिपका दें। ऐसे कटर ले लें, कोई भी कटर से ऐसे घुमा के इसको कट कर दें बस। और ये हो गया है हमारा समोसा तैयार। इसी तरह से हम सारे समोसे बना के अपने रख लेंगे जितने हमें बनाने हैं। फिर से देखिए, ऐसे एक स्पून लिया, भर के इसमें डाल देंगे। बड़ी सी रोटी बेलने से फ़ायदा हो जाता है कि आपके कम से कम 3 से 4 समोसे एक बार में बन जाते हैं, आपको बार बार एक एक करके बेलना नहीं पड़ता है। से इसको साइड से अच्छे से चिपका लें ताकि खुले नहीं है तलने के टाइम में, नहीं तो फ्राई करने के टाइम में खुलने का डर रहता है तो फिर सब निकल जाता है, अंदर ऑयल भर जाता है। बस ये हमने काट लिया समोसा, ऐसे ही करके हम पूरा अपना रेडी करके रख लेंगे। देखिए ये हमने सब अपना बना के रेडी करके रख लिया है। ट्रे में हमने थोड़ी सी खुश्की भी डाल ली थी, नहीं तो ये आटा है चिपक जाता है, मैदा होने से तो चिपकता नहीं है। लेकिन हम चूँकि ये आटे के बना रहे हैं जो कि डाइजेस्ट होने में भी इजी होते हैं, अच्छे रहते हैं, रोज़ खाए जाते हैं हमारे यहाँ तो ये रमज़ान में, तो इसलिए हम आटे के ही बनाते हैं ज़्यादा। तो फिर ऐसे खुश्की डाल के रख दिया है। अब सब तलने के लिए तैयार हैं। चलिए पैन चढ़ा दिया हमने गैस पर, अब उसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे। डीप फ्राई करना है हमें इसको, कढ़ाई फ्राई पैन आप जिसमें चाहे कर सकते हैं। मेरे दूसरे काम भी चल रहे हैं दूसरी कढ़ाई में, इसलिए मैं अब इधर ये आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ जल्दी। रोज़े का टाइम हो जाता है, हमें जल्दी जल्दी सब काम करने होते हैं एक साथ, इसलिए दूसरी दूसरी तरफ भी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, इसलिए जल्दी से आपको बस ये दिखा देती हूँ। एक क्लिप हमने तेल में अभी फ्राई हो रहे हैं और हम ये फ्राई करके फिर निकाल दिए हैं। ये हमारे समोसे तैयार हो गए हैं। और ये हमने थोड़ा सा मैदे का पापड़ बनाया था वो है हमने साथ ही आपके सर्व किया है। देखिए ये हैं कीमे के समोसे। अब आप बनाइए, खाइए, कैसे लगे आपको बताइए।